दोस्तों, सभी को कुर्ते के ऊपर हैवी डिजाइन पसंद नहीं होते हैं, तो हमने आपके लिए आज एक डिजाइन लेकर आए हैं जो हल्का फुल्का सा डिजाइन है, जिसे आप अपनी कॉटन की कुर्ते के ऊपर या फिर सूट के ऊपर बना सकते हो। जितनी आपके स्लीव्स की रेडी लेंथ है उसे आप 2 इंच कम कट कर लेना। कट करने के बाद हमने एक फैब्रिक के हमने पीस लिए हैं, जिसकी लंबाई हमने 3 इंच और चौड़ाई इसकी स्लीव्स की मूरी के अकॉर्डिंग रखी है। और ये गाइस हमने टोटल 4 पीस लिए हैं, ये देखिए। और इसकी एक साइड को हमने गोलाई में कट कर दिया। आप देख ही रहे हो कि हमने किस तरह से कट करना है, बस आपको हल्की सी गोलाई देकर इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद हम दो दो पीस को अलग कर लेंगे, ये देखिए। बीच वाली साइड हमारी सीधी है और बाहर वाली साइड उल्टी है, इसी शेप में हम सिलाई को लगा देंगे। तो लीजिए, दोनों पीस के ऊपर हमारी सिलाई लग चुकी है, जो कि हमने गोलाई में लगा ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे, ये देखिए। अब दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान डिजाइन है, आप इसे चुटकियों में बना लोगे। इन दोनों पीसेस के ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमने एक बारीक लेस ली है, जो कि हमने रेड कलर की ली है। और आप अपनी कुर्ती के प्रिंट के अकॉर्डिंग लेस का कलर लेना। जो हमने जहाँ पे सिलाई को लगाया था उसी के ऊपर हम इस लेस को लगा देंगे। दोनों पीसेस के ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। लेस के अलावा इसके ऊपर पाइपिंग भी अच्छी लगेगी। और अगर आप इसी प्रकार की लेस लगाना चाहते हो तो आपको ज्यादा बारीक ही लेस लेनी है। दोनों पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लेस को लगा लेंगे। और अगर आप इस डिजाइन को प्लेन कुर्ती के ऊपर बना रहे हो तो आप कोई भी कंट्रास्ट करके लेस का कलर लगा सकते हो। इसी तरह का डिजाइन आप अपने प्लाजो पैंट की मूरी में भी बना सकते हो। तो लीजिए, हमने लेस को अटैच कर लिया। अब इसको बीच में से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे स्लीव्स के ऊपर लगाना है। सबसे पहले हम स्लीव्स को लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की मूरी है, जो कि हमने सेंटर करके रखा है। सेंटर के ऊपर हम एक पीस को लगाएंगे और स्लीव्स का जो हमने बढ़ाकर फैब्रिक रखा है उसको इस पीस के ऊपर फोल्ड करेंगे। अब इसको सेंटर में से मिलाते हुए दूसरे पीस के ऊपर लगाएंगे। स्लीव्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस कफ के ऊपर फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद किनारे के ऊपर सिलाई को लगा दिया है। इस डिजाइन को सीधा करते हुए हम वही लेस को लगाएंगे जो कि हमने पहले लगाई है। सिलाई का जो ज्वाइंट है उसी के ऊपर हम लेस को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी चौड़ी लेस भी लगा सकते हो। दिखा कितना आसान है इसे बनाना। अब इसके ऊपर हम 2 बटन को लगा देंगे, वो भी हमने रेड कलर के लिए हैं। बटन के अलावा आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हो। थोड़े से बड़े साइज के मोती भी इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। और बटन लगाने के लिए हमने फैब्रिक के बीच में से सुई को इस तरह से निकालना है, फिर बटन को दोनों साइड से अच्छी तरह से अटैच करते हुए पक्का करके टंका लगा देना है। फिर इसके ऊपर ही हम दूसरे बटन को लगाना शुरू करेंगे। फिर से वही मेथड के साथ आपको बटन को लगा देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। नए आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। स्लीव डिजाइन के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप उन्हें भी जरूर एक बार देख लेना। तो इस तरह का हमारा कुछ डिजाइन तैयार हुआ है। दोनों स्लीव्स को हमने अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। आपको भी इजी और अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।